मैं डॉक्टर राकेश बख्शी डीके फ्लैग फाउंडेशन से आज फिर एक बार अंबरनाथ में हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका दिया अंबरनाथ के सीईओ साहब ने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि मैं कुछ कर सकूँ इस शहर के लिए जिस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया। मी श्रीधर पाटणकर अंबरनाथ नगर परिषद मुख्याधिकारी आपल्याशी संवाद साधत आहे। आदरणीय नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री महोदय ठाणे तसेच खासदार माननीय श्रीकांतजी डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांचा अंबरनाथ संदर्भात सतत आढावा चालू असतो तसेच त्यांचे वेळोवेळी आम्हाला निर्देश व सूचना देखील प्राप्त होत असतात। त्यानुसार आपण अंबरनाथ शहरामध्ये कोविडचा प्रसार होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दक्षता घेत आहोत। कोविड केअर सेंटर आणि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर याची उभारणी करीत आहोत। CCC सेंटर म्हणजे कोविड केअर सेंटर्स 550 कॉटची आपण व्यवस्था तिथे करणार आहोत आणि पहिल्या टप्प्यात 200 कॉटची आपण आता व्यवस्था केलेली आहे। ऑक्सिजनची या पेशंट्सना मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासत असते। डीके फ्लॅग फाउंडेशनतर्फे डॉक्टर राकेश बक्षी यांनी 50 बेडसाठी ऑक्सिजनसह व्यवस्था केलेली आहे। याशिवाय आणखीन 50 बेडचं CCC सेंटरसाठी देखील ते मदत करणार आहेत। त्यांची चांगल्या प्रकारे आम्हाला मदत झालेली आहे, होत आहे आणि यातून देखील पुढे होईल अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो। डीके फ्लैग फाउंडेशन में हम अपने प्रोग्राम के तहत, जिसे मैं SHE बोलता हूँ, स्पोर्ट्स हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ का मामला इतने संकट में पूरा देश पूरा वर्ल्ड जो गुजर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी डीके फ्लैग फाउंडेशन से कुछ अपनी कैपेसिटी में कर सकें। और जैसे ही उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उनको 50 बेड चाहिए थे ICU के लिए, जिसमें ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट चाहिए था, तो मैंने उनको हाँ बोला, जबकि मैं आज तक CEO साहब से मिला नहीं। और इसमें तड़वी ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि मेरा ताल्लुक अंबरनाथ से बहुत सालों से है। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और आज फिर से मुझे एक मौका मिला कि मैं इस शहर के लिए कुछ थोड़ा जो मेरे से बन पड़ता है मैं कर सकूं। म्हणजे अंबरनाथ मध्ये छोट्याशा शहरामध्ये अशा या कोविड सेंटर उभारणीमध्ये डीके फाउंडेशन यांनी देखील आज ऑक्सिजनच्या या ठिकाणी एक वॉर्ड तयार केले 50 बेडचा, आणखी देखील त्या वॉर्डमध्ये त्यांनी मदत केलेली आहे। अशा प्रकारच्या दानशूर व्यक्ती आहेत, ज्या अशा सेवाभावी संस्था आहेत, आणि माझं सगळ्यांना आवाहन आणि विनंती आहे की अशा या कोविडच्या कार्यामध्ये सरकारबरोबर स्वराज्य संस्थांबरोबर आपणही मदतीचे हात पुढे केलं तरी खऱ्या हाताने एक सेवा करण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे। और मैंने ही नहीं, मैंने अपने एक मित्र मिस्टर प्रेम्स, जो कि व्हाइट क्रो रिसर्च लैब में के ओनर है, उनको मैंने सिर्फ बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ 50 बेड कोविड सेंटर अंबरनाथ के लिए, तो उन्होंने बहुत खुशी से अपने आप कहा कि ये मौका वो भी हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने भी 25 बेड का एक हॉल इसी हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट किया, और ये जबकि उनका कुछ भी अंबरनाथ से लेना देना है नहीं, उन्होंने कभी अंबरनाथ देखा भी नहीं। तो
साथियों, ये एक जज्बा होता है और एक ये हिम्मत होती है कि आप उस शहर के लिए, उस जगह के लिए, अपने देश के लिए कुछ करो जिसने आपको ये सब दिया। और यही हमारी हमेशा से एक मुहिम रही है और हमारा एक ध्येय रहा है कि हम सोसाइटी को वापस करें, बिकॉज वी ओ टू द सोसाइटी। जय हिंद।